नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन असुरक्षा की भावना में जी रही हैं गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन का एकमात्र गर्ल्स कॉलेज को बने हुए वर्षों हो गए हैं, लेकिन ना तो यहां बाउंड्री वॉल है ना ही कोई गार्ड की व्यवस्था है। ऐसी अवस्था में छात्राएं असुरक्षा की भावना में जी रही है। छात्राओं का कहना है ये है कि कॉलेज परिसर में कोई भी घुस आता है, हमें हमेशा डर लगा रहता है। इस संबंध में जब हमने कॉलेज प्राचार्य से बात की तो उन्होंने कहा कि गार्ड नाम का कोई पद हमारे यहाँ नहीं है। दो चपरासी के पद थे जिसमें से एक का स्थानांतरण 2021 में हो गया है। अब एक ही चपरासी हमारे पास है जो दिन भर चौकीदारी नहीं कर सकता। जो चौकीदार है वह रात में कॉलेज की चौकीदारी करता है। कुल मिलाकर छात्राएं डर के साए में पढ़ाई कर रही है। रायसेन से जिला ब्यूरो चीफ राकेश जैन की ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ बच्चियों ने कई समस्या बताई। उन्होंने कहा कहना है कि यहाँ कोई गार्ड भी नहीं है और सुरक्षा कोई व्यवस्था नहीं है। यदि कोई भी अनहोनी होती है उसके लिए कोई जिम्मेदार होगा? मैं राकेश जैन। गार्ड की व्यवस्था नहीं रखी है मैडम ने, सर ने, जो भी टीचर्स हैं यहाँ पे। और कोई अनजान व्यक्ति आता है, लड़के भी आते हैं कॉलेज में, यहाँ वहाँ से इधर से, बाउंड्री भी नहीं कराई है कॉलेज में, सब लोग देखते जाते हैं। हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस चीज़ की। वो कहना यह है कि यहाँ की सुरक्षा कोई व्यवस्था नहीं, कोई गार्ड नहीं रखा आपने, उसकी वजह से क्या होता है कि अब कोई भी आ सकता है, अंदर हो जा सकता है? हाँ, ये सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, बच्चों को भी पता है, आपको भी पता है। गवर्नमेंट कॉलेज जब खुलता है तब पूरे पदों की एक गिनती आती है, पूरा पत्र आता है कि इसमें ये पद जी रखे जाएंगे स्थायी पद। तो उसमें गार्ड नाम से कोई पद नहीं है हमारे पास। एक चौकीदार का पद है और चौकीदार जो है वो रात में महाविद्यालय की चौकीदारी करता है। और हमारे यहाँ भृत्य हैं, दो भृत्यों के पद हैं, लेकिन दो भृत्य में से एक ही भृत्य हमारे यहाँ कार्यरत है। एक भृत्य का स्थानांतरण हो गया है 2021 में, तो उसके स्थान पर अभी कोई नहीं आया है। भृत्य पूरे समय दरवाजे पर खड़ा नहीं रह सकता है क्योंकि उसको दूसरे अन्य कार्य भी बीच बीच में दिए जाते हैं। बाहर की डांक देना है, कहीं दूसरी सफाई करना है, कभी ऑफिस में भी उसको कार्य दिया जाता है। अच्छा मैडम, ऐसे में कोई अगर घटना दुर्घटना बच्चियों के साथ हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ऐसा हम लोग सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, गेट पर ही लगा हुआ है। अभी आप बात कर रहे थे तो हमको सब दिखाई दे रहा है। तो उसके माध्यम से हम यह व्यवस्था करते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी को चौकीदार के रूप में महाविद्यालय में नियुक्ति दे सकें।